हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर का टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसे कि हिंदी में आपदा प्रबंधन कहते हैं। आपदा प्रबंधन को समझने से पहले हमें हजार्ड और डिजास्टर, इन दो टर्म्स को समझना जरूरी है। हजार्ड जिसे कि हिंदी में संकट कहा जाता है और डिजास्टर को हिंदी में आपदा कहा जाता है। एंड हजार्ड इज़ एनी नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड डेंजरस सिचुएशन और सडन इवेंट विच कैन और विच हैव पोटेंशियल टू कॉज लॉस और डैमेज टू लाइफ प्रॉपर्टी और एनवायरनमेंट। तो हजार अर्थात संकट कोई भी ऐसी प्राकृतिक या फिर मानव जनित भयानक स्थिति या कोई घटना हो सकती है जिसमें कि मानव जीवन को क्षति, संपत्ति का नुकसान या फिर पर्यावरण को हानि पहुंचाने की क्षमता होती है। एंड डिजास्टर इज एनी नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड डेंजरस सिचुएशन और सडन इवेंट दैट कॉज लॉस और डैमेज टू लाइफ प्रॉपर्टी और एनवायरनमेंट। इसी प्रकार डिजास्टर अर्थात आपदा एक ऐसी प्राकृतिक या फिर मानव जनित भयानक स्थिति या घटना है जो कि मानव जीवन को क्षति, संपत्ति को नुकसान व पर्यावरण को हानि पहुंचाती है। इन दोनों डेफिनेशंस में आपको सिमिलैरिटी दिखाई दे रही होगी क्योंकि दोनों में हजार्ड या फिर डिजास्टर कोई भी एक प्राकृतिक या फिर मानव जनित भयानक स्थिति या घटना है जो कि नुकसान करती है मानव जीवन का या फिर संपत्ति का या फिर पर्यावरण का। लेकिन यदि इन दोनों में डिफरेंस की बात की जाए तो आप हजार में देख सकते हैं मैंने एक टर्म पोटेंशियल को हाईलाइट किया है जिसका अर्थ होता है क्षमता। तो कोई घटना या भयानक स्थिति जिसमें कि मानव जीवन को, संपत्ति को या फिर पर्यावरण को नुकसान करने की क्षमता होती है या फिर वो नुकसान कर सकती है तो वो घटनाएं हजार कहलाएगी। और यदि वो घटना घटित हो जाती है और मानव जीवन को, संपत्ति को व पर्यावरण को नुकसान कर देती है तो वो आपदा कहलाएगी। हजार और डिजास्टर के बीच डिफरेंस को हम एक एग्जांपल की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई दो प्लेसेस है, प्लेस ए जो कि डेजर्ट एरिया है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, और प्लेस बी जो कि एक रेजिडेंशियल एरिया है, कोई एक सिटी है। और इन दोनों प्लेसेस पे एक प्राकृतिक घटना का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए भूकंप। तो हमें पता है कि भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जो कि नुकसान कर सकती है, जिसमें कि नुकसान करने की क्षमता होती है और वो नुकसान करती भी है। तो यदि वो भूकंप मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है जहाँ पर किसी भी प्रकार की आबादी नहीं है, कोई भी आवासीय क्षेत्र नहीं है, तो वो भूकंप जिसमें कि नुकसान करने की क्षमता है लेकिन किसी भी प्रकार की आबादी या आवासीय क्षेत्र ना होने की वजह से वहाँ पे किसी भी प्रकार का नुकसान, चाहे वो मानव जीवन की क्षति है या फिर संपत्ति का नुकसान या फिर पर्यावरण का नुकसान है, तो किसी भी प्रकार का नुकसान वहाँ पे नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में भूकंपीय घटना यहाँ के लिए हजार अर्थात संकट कहलाएगी। और इसी प्रकार यदि यह भूकंपीय घटना प्लेस बी जो कि एक सिटी है वहाँ पे घटती है तो आवासीय क्षेत्र और एक बड़ी आबादी होने के कारण वहाँ पे मानव जीवन को क्षति होगी, संपत्ति का नुकसान होगा, तो यह प्राकृतिक घटना डिजास्टर अर्थात आपदा कहलाएगी। हजार्ड और डिजास्टर के बीच के डिफरेंस को हम एक और एग्जांपल की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, एक प्राकृतिक घटना साइक्लोन, जिसे कि हिंदी में चक्रवात कहते हैं, जो कि भारत के पूर्व में स्थित बंगाल की खाड़ी में दिखाया गया है। और जैसा कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमेशा सागरों या फिर महासागरों में बनते हैं, जिनमें कि तेज गति से चलने वाली हवाएं और अत्यधिक मात्रा में होने वाली वर्षा किसी भी क्षेत्र में आपदा ला सकती है। तो जब तक ये चक्रवात सागरों या फिर महासागरों में स्थित है तब तक यह हजार्ड अर्थात संकट कहलाएंगे, क्योंकि इनमें नुकसान करने की क्षमता तो होती है लेकिन खुले सागरों और महासागरों में किसी भी प्रकार की जान माल की हानि नहीं होगी। और जब ये साइक्लोन तटीय क्षेत्रों में पहुंचते हैं, जैसा कि एरो की सहायता से दिखाया गया है पॉइंट बी पे,
जो कि आवासीय क्षेत्र या फिर आबादी वाला क्षेत्र हो सकता है, तो इन चक्रवातों में चलने वाली तेज हवाएं और होने वाली अत्यधिक वर्षा इन तटीय क्षेत्रों में मानव जीवन की क्षति और संपत्ति का नुकसान करेगी। इसलिए चक्रवात के रूप में आई यह प्राकृतिक घटना खुले सागर व महासागर में स्थित पॉइंट ए में हजार्ड अर्थात संकट कहलाएगी और यही प्राकृतिक घटना तट पर स्थित पॉइंट बी में डिजास्टर अर्थात आपदा कहलाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी संकट की नुकसान करने की क्षमता जब वास्तविकता में बदल जाती है तो वह आपदा कहलाती है, और यह संकट या फिर आपदा विभिन्न प्राकृतिक तथा मानव जनित घटनाओं के रूप में हो सकती है, जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड, साइक्लोन, फ्लड्स, ड्रॉट्स, फॉरेस्ट फायर्स, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एपिडेमिक, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, रोड, रेल और एयर एक्सीडेंट्स, एक्ट ऑफ टेररिज्म एंड वॉर एटसेट्रा। तो ये प्राकृतिक तथा मानव जनित घटनाएं जिनमें कि नुकसान करने की क्षमता तो होती है लेकिन किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करती, तो ये घटनाएं हजार अर्थात संकट कहलाएगी। और यदि इन घटनाओं की नुकसान करने की क्षमता वास्तविकता में बदल जाए अर्थात यह वास्तविक रूप में किसी क्षेत्र में मानव जीवन, संपत्ति या फिर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, तो यह घटनाएं डिजास्टर अर्थात आपदा कहलाएगी। हजार्ड और डिजास्टर को समझने के बाद हम बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट अर्थात आपदा प्रबंधन की। डिजास्टर मैनेजमेंट रेफर्स टू ऑल सच मेजर्स और एक्टिविटीज टेकन फॉर द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर। अर्थात आपदा प्रबंधन का अभिप्राय उन उपायों व क्रियाओं से है जो कि किसी प्राकृतिक या मानव जनित आपदा से मानव जीवन तथा संपत्ति को बचाने के लिए किए जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव को योजनाबद्ध ढंग से कम करना ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। किसी क्षेत्र में प्राकृतिक और मानव जनित घटना के रूप में आने वाला संकट जब नुकसान करता है तो वह आपदा बन जाता है, और हम किसी भी संकट को आने से रोक नहीं सकते, चाहे वो भूकंप का आना है, सुनामी का आना हुआ या फिर ज्वालामुखी का फटना, कहीं पे बाढ़ आना, सूखा पड़ना इत्यादि। लेकिन हम उन संकट की वजह से आपदा के रूप में होने वाले नुकसान को उचित प्रबंधन या फिर योजनाबद्ध ढंग से कम कर सकते हैं ताकि मानव जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम किया जा सके। तो आपदा प्रबंधन मदद करता है किसी आपदा से होने वाले मानव जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम करने में। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू फोर फेसेस, फर्स्ट मिटिगेशन, सेकंड प्रिपेयर्डनेस, थर्ड रिस्पांस एंड फोर्थ वन इज रिकवरी। तो आपदा प्रबंधन की संपूर्ण योजना या फिर प्रक्रिया को फोर फेसेस में डिवाइड किया जा सकता है, इसमें कि फर्स्ट फेज है मिटिगेशन, जिसका अर्थ है रोकना या फिर कम करना। सेकेंड फेज इज प्रिपेयर्डनेस, जिसका मतलब है तैयारी या फिर तत्परता। थर्ड इज रिस्पॉन्स अर्थात प्रतिक्रिया, एंड फोर्थ वन इज रिकवरी, जिसमें कि आपदा के बाद होने वाली सुधार प्रक्रियाएं शामिल होती है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, और आपदा प्रबंधन की इन फोर फेज और स्टेज साइकिल को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।